जय हिंद एवरीवन, दिस इज ट्रेनापुरु। और ट्रैकिंग के फीडबैक की वीडियो किए बिना हम कैसे इन बच्चों को छोड़ सकते हैं। तो कैरेट्स, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अभी तो आपको आए हुए 3 दिन हुए हैं, राइट? यस सर। ओके, तो क्या हुआ 3 दिन में, क्या क्या हुआ बताइए जरा। सर पहली बात तो मुश्किल हुआ बहुत, तो पेरेंट्स को छोड़ के आना। वेरी नाइस, बिल्कुल सही बात कही आपने, ये सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है एक बच्चे के लिए। अकेले रहना, वो भी इतना दिन हम लोग अकेले रहे नहीं। करेक्ट। तो उसके बाद फिर बट जो ट्रैकिंग थी वो बहुत एक्साइटिंग थी हम लोग की। अच्छा। बहुत इंटरेस्टिंग भी थी, मतलब इतना कुछ देखने को मिला, प्लस हम लोग को नहाने को भी मिला। ओ क्या बात है, वेरी नाइस। आप कहाँ से आई हैं? आपका नाम क्या? मथुरा से आई हूँ, मेरा नाम दिव्या है। मथुरा से पेड़े के बिना कैसे आ गई आप देहरादून? नहीं अब वहाँ से, वहाँ पे आता था खाने की, यहाँ तो अब नहीं है। नहीं तो अगली बार लेके आना, मतलब हम अपने लिए भी मंगा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा रहा 3 दिन का एक्सपीरियंस देहरादून में? अच्छा रहा, ठीक रहा। मैं भी कभी घर से बाहर नहीं निकली हूँ, तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा फील हुआ था। हाँ, तो थोड़ा बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ कभी कभी। ओके, क्लासेस में क्या हुआ ये बताइए। क्लासेस भी अच्छी रही थी। क्या हुआ था क्लास में, कराया क्या क्या? मार पिटाई हुई, पनिशमेंट? नहीं नहीं, 2 दिन तो ओरिएंटेशन चला था। okay. मतलब जानकारी वगैरह, एक दूसरे को जानना, टीचर्स हमारे बारे में पूछ रहे थे, बता रहे थे, SSB के बारे में भी बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी जो नहीं पता थी, वो भी पता चला। अच्छा लगा। चलिए, टचवुड, यानी कि आपके काम का कुछ हुआ। आपने क्या किया क्लासेस में? सर क्लास में मींस बहुत एक्साइटिंग थी, और प्लस आपने इंट्रोडक्शन भी कराया सबका, तो एक दूसरे को जानने का मौका मिला, और बहुत अच्छा लगा क्लासेस मतलब। ओके, तो आपको क्या लगता है कि व्हेन वी टॉक अबाउट योर सिलेक्शन, है ना, इस एकेडमी में 3 दिन में आपको लग रहा है आपको कुछ फेथ आ रहा है कि इस एकेडमी में आके? ऐसा तो नहीं लग रहा कि गलती कर दी? ऐसा नहीं लग रहा। बट हम आपको और भी चीज़ें कराएंगे, और भी एक्टिविटीज़ कराएंगे, और क्योंकि 4 महीने हैं तो 4 महीने हम मोस्टली क्लासरूम एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे। उसके बाद डेफिनेटली हम फिर एक आउटिंग पे आएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी करेंगे। बट आपको क्या करना है, आपको अपना रूटीन अच्छा सा बना के रखना है। हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा है आपका? ठीक है। वो ऑब्वियसली घर जैसा खाना तो कहीं नहीं मिल सकता। तो देखिए, ये हम सबसे कहते हैं घर जैसा खाना हमने कहीं नहीं पाना, लेकिन अगर है NDA जाना तो दून इंडियन डिफेंस एकेडमी ही है आना। राइट गर्ल्स? यस सर। जय हिंद।